verpassen. Dziękuję za satsang mein tha. Ye satsang kya hai? गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग पाए कि सत्संग प्रयास होता ऐसा क्यों कहा कि बड़े भाग से सत्संग मिलता है और जब सत्संग मिलता है तो बिना प्रयास ही भव भंगता बिना प्रयास के ही ये भाव भंग हो जाता है जीव की मुक्ति हो जाती है उसका कल्याण हो जाता है। आज मनुष्य को समझने की जरूरत है कि भाई जीवन में क्या सत्संग क्या चीज है क्या जरूरी है जिंदगी जीने के लिए सत्संग का क्या महत्व है। सत्संग कहते किस चीज को है किस श्रिया का नाम है सज्जनों माताओं बहनों आपको बता दें कि ये जिस मंच से आप सुन रहे हैं ये विचार ये कथा दिव्य सृजन समाज डिवाइन क्रिएटिव सोसाइटी ऐसा नहीं कि कार्यक्रम मात्र गांव के क्षेत्र में कई जगहों पर कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी लेवल तक के कॉलेज के अंदर संस्थान के कार्यक्रम होते हैं। बस फर्क इतना है कि जब वहां जाते हैं तो वहां उसको सत्संग नहीं बोलते लेकिन है तो सत्संग ही। इसलिए जीवन के अंदर सत्संग क्या है उसका महत्व क्या है यूं तो रामायण के अंदर भागवत महापुराण में बहुत कुछ कहा जा रहा है बहुत कुछ लिखा जा रहा है बहुत सारी बातें बताई जा रही है सत्संग के विषय में। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत कुछ लिख रहे हैं काक हो ही पिक बकम मराला सुनी अचरज करे जन कोई सत्संगति महिमा नहीं कोई इसकी महिमा नहीं कही जा सकती क्योंकि सत्संग ही जीवन है अन्यथा जीवन क्या है भाग दौड़ है आप भाग रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति भाग रहा है प्रत्येक व्यक्ति दौड़ रहा है प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है प्रत्येक व्यक्ति सुखों का भोगना चाहता है कौन नहीं चाहता। आदमी पैदा लेता है सोचता है बढ़िया खा लूं बढ़िया पहन लूं बढ़िया गाड़ी में घूम लूं ये कौन नहीं सोचता। जब द्वापर युग था तब भी आदमी ऐसी सोचता था आज कलयुग है तब भी आदमी ऐसी सोचता है ये तो प्रकृति है प्रकृति आपसे करवा रही है आदमी कर्म नहीं करता प्रकृति जबरदस्ती करवाती है जो नहीं करेगा उससे नहीं करवा रही
यही तो श्रीमद् भगवद् गीता का उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाते हुए कहा कि कर्म प्रकृति जैन गुणे, अर्जुन कर्म प्रकृति का गुण है, नैसर्गिक गुण है, आप कर्म से भाग ही नहीं सकते। उठते जागते सोते आंखों को मीचते और आंखों को खोलते हुए भी आप कर्म कर रहे हैं, ये संपूर्ण प्रकृति कर्म परायण है, आप बच ही नहीं सकते। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संकल्पवान बनो, संकल्पवान संकल्प लो और फिर कर्म करो, यद्यपि उस संकल्प से भी सुख की प्राप्ति हो जाए ऐसा नहीं है। संकल्प क्या लगा है, बहुत कुछ बनने की कोशिश करता है। पिछले साल एक घटना घटी, दिल्ली के अंदर एक बिहार के आईएएस ऑफिसर ने आत्महत्या कर दी। भैया क्या जरूरी था, तुम्हारे पास तो रुतबा था, तुम्हारे पास तो गाड़ी थी, बंगला था, तुमने आत्महत्या क्यों कर ली? रेमंड कंपनी का मालिक डिप्रेशन का शिकार है। ये मत कहना कि आज बहुत अच्छी गुजर रही है तो कल भी अच्छी गुजरेगी, जरूरी नहीं। आदमी को लगता है कि आज अच्छी गुजर रही है तो कल भी बहुत अच्छी गुजरेगी, अरे नहीं मैं तो ये कर दूंगा, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। आदमी अगर धन के पीछे भाग रहा है, व्यक्ति अगर परिवार के पीछे भाग रहा है, सुख भोगों के पीछे भाग रहा है, तो ये तो प्रकृति का गुण है, प्रकृति आपको विवश कर देती है भागने के लिए, दौड़ने के लिए, प्रकृति पेट भरने के लिए आपको मजबूर कर देती है। आप हाथ पर जाओगे कहां पर, भरो अपना पेट, कितना भरोगे, जितना भरोगे उतना खाली हो जाएगा, ये प्रकृति की ताकत है, ये उसकी शक्ति है। आदमी को लगता है कि पेट भर लिया, विवाह कर लिया, बच्चे हो गए, पाल लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, एक चिड़िया भी कर रही है, पक्षी भी कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा। प्रत्येक जीव इस कर्म में प्रकृति के वशीभूत लगा हुआ है, कुछ भी विशेष नहीं है। किसी ने एक गाड़ी खरीदी, तुम 10 गाड़ी खरीद लोगे तो कोई विशेष नहीं बन जाओगे। सिकंदर मरने लगा, जब यहां से सिकंदर गया तो मरने लगा, उसको लगा कि अब मैं जिंदा रहने वाला नहीं हूं, अब मेरी मौत आने वाली है, कुछ समय में, कुछ समय में मैं मर जाऊंगा। उसने अपने साथियों को बुलाया और साथियों को बुलाकर कहा कि देखो भाई, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शव को, मेरी लाश को पूरे शहर में घुमाना, पूरे शहर में घुमाना, और मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। उसके साथियों ने पूछा, मित्रों ने पूछा कि महाराज जहांपना, ऐसा कैसे, कफन से तो कोई भी अंग बाहर नहीं होना चाहिए, अशुभ है। उसने कहा कि नहीं, तुम ये करना, मेरे शरीर के साथ ऐसा ही करना, ताकि मेरे शहर के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे शहर के लोग जो ये समझते हैं कि सिकंदर बहुत महान है, देखो इतना महान सिकंदर, उसका क्या हाल हो गया। इसलिए किसी ने कहा कि यूं तो सिकंदर के हौसले भी आली थे, लेकिन जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे, तो कौन क्या कर लेगा और कौन क्या ले लेगा, अगर कुछ जाएगा क्या जाएगा आदमी के साथ, उसके कर्मों की पूंजी, उसके संस्कारों की पूंजी जाए, उसके संस्कार जाए। अब सत्संग क्या करता है, सत्संग जीवन में संस्कार देता है, संस्कार, बाकी ये संसार है ही क्या,
पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात देखत की छुप जात है जू तारा प्रभात। पानी केरा बुदबुदा बुलबुले के समान मनुष्य का जीवन है, अभी जीना ही कहां शुरू किया कि मौत आ जाती है। पूछो अपने आप से, किसी की उम्र 20 साल की हो गई और किसी की उम्र 40 साल की हो गई, तो किसी की 50, तो किसी की 80। जरा पूछो जिसने 20 साल की जिंदगी जी, पता चला कि 20 साल कैसे बीत गया? पता नहीं चला कि 20 साल कैसे बीत गया। चलो ये 20 साल वाले की बात है, लेकिन जिसकी उम्र 50 की हो गई उससे पूछो कि भाई साहब, बहन जी, माता जी, ये जिंदगी के 50 साल कैसे बीत गए? पता चला किसी को? पता नहीं चला कि 50 साल कैसे बीत गए। 50 को छोड़ो, 80-90 साल का जो हो गया ना, उससे पूछो कि बाबा जी, माता जी, ये 90 साल जीवन के कैसे बीते, बताएंगे? पता ही नहीं चला कैसे बीता, कैसे जिंदगी बीत गई पता ही नहीं चला। किसी का 50 कैसे बीता, 80 कैसे बीता, 90 कैसे बीता, समझ में नहीं आया, हाथ से निकल गया। ये प्रकृति है, क्या जाएगा? जीव मरता नहीं है, जीव मरता नहीं है, मरने वाला शरीर है। और जब जाएगा तो जीव अपने साथ कर्मों की पूंजी, संस्कारों की पूंजी। अब ये कर्म संस्कार कैसे बनते हैं? आप जो करेंगे, आप जो सोचेंगे, आपके विचार। इसलिए किसी ने कहा कि बिगड़ते हैं ख्याल तो बिगड़ता है आदमी, आदमी अपनी सोच से बिगड़ता है। और सत्संग का काम है सोच को बदल देना, विचार को बदल देना। अपनी विचारधारा को बदलो, व्यर्थ के विचारों में अपना समय मत बिताओ। अपने विचारों की रक्षा करो कि वो गलत रास्ते पर हमारे विचार ना जाए, गलत विचार ना हो, गलत सोच ना हो। हमारी सोच अच्छी है, सकारात्मक हो, क्योंकि जो आप इस संसार में देंगे लौट कर आपके पास आ जाए। आप नफरत फैलाएंगे तो नफरत ही आपको दिया जाएगा, आप प्रेम बांटेंगे तो प्रेम ही आपको दिया जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे कई रहस्यों को खोलता है। हम क्या देते हैं, हम क्या देते हैं? आदमी छोटी छोटा स्वार्थ, छोटी छोटी बात के लिए झगड़ता है, कभी अपने पड़ोसी से, कभी भाई भाई आपस में लड़ते हैं। किसके पास रह जाएगा? महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में। दुर्योधन लगा हुआ है कि मुझे धन मिल जाए, पूरा राजपाट मेरे हाथ में हो। सारा जीवन दुर्योधन ने एक ही काम में लगाया। किस काम में? किस काम में? कि सारा पांडवों का जो है वो मुझे मिल जाए, मेरे पास हो जाए। और इस कार्य में करते करते ये नहीं सोचता आदमी कि धीरे धीरे उम्र बीत रही है, उम्र बीत रही है। पता चला कि जब धन आ जाएगा उसके पास तो उम्र ही बीत जाएगा। जिस सुख को भोगने के लिए इतना प्रयत्न किया उम्र ही बीत गई। अब जब शरीर ही नहीं रहे तो क्या खाओगे, क्या पियोगे? ये नेत्र काम करने बंद कर देंगे, बाल जो है वो दुधवानी हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, दांत झड़ने लगेंगे। कब तक आर्टिफिशियल यूज करोगे, बनावटी कब तक इस्तेमाल करोगे? ये समय बहुत ताकतवर है, किसी को छोड़ना नहीं है, छोड़ता नहीं है तो कितना भी बड़ा ताकतवर। सिकंदर नहीं रहा, रावण नहीं रहा, सबकी हेकड़ी जो है, सबका अहंकार जो है वो चकनाचूर हो गया। प्रकृति अपने सामने किसी को कुछ समझती नहीं है। आप जितना बनोगे हीरो वो उतना बनाएगी जीरो। टाइम आने पर रगड़ के रख देगी, छोड़ेगी नहीं, कोई कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो। इसलिए समय, वक्त,
जो दे सकता है वो कोई नहीं देता है। इसलिए आदमी, इसलिए रावण ने लक्ष्मण जी से कहा, आपने प्रश्न सुना था, ये रावण का प्रश्न, कहा कि जब तुम्हारे पास ताकत है, रुपया है, पैसा है, जितने अच्छे काम कर सकते हो समाज के लिए करो, जितने धर्म के काम कर सकते हो करो, फिर ये शक्ति क्षण हो जाएगी तो कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए आवश्यकता समझने की है, ना समझे जीव तो फिर क्या होगा, वही होगा जो कर्मों में लिखा होगा। इसलिए मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है, कोई और नहीं बनाता, अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता है, अपने कर्मों से। जो दोगे वो बदले में दिया जाएगा, नफरत दोगे नफरत दिया जाएगा, प्रेम दोगे प्रेम दिया जाएगा, ज्ञान दोगे ज्ञान दिया जाएगा, ये प्रकृति का नियम है। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में समझाने का प्रयास किया। गीता जीवन जीने का तरीका है, कर्म करने की शिक्षा देता है, कर्म करने की कला, कर्म करना भी एक कला है। जैसे कि संगीत बजाना, हारमोनियम बजाना एक कला है, चित्रकारी करना एक कला है। एक चित्रकार बड़ी सावधानी से वो चित्र बनाता है, एक एक लाइन एक एक लकीर बड़ी सावधानी से खींचता है। इसलिए जो कर्मयोगी है, जो जीवन जीने की कला जानता है, बड़ी सावधानी से एक एक कर्म करता है, एक एक शब्द अपनी वाणी का प्रयोग बड़े संभल कर करता है कि कैसे मुझे शब्द निकालना है, कैसे कर्म करने हैं, क्योंकि कर्मों से ही जीवन सुंदर बनेगा, कर्मों से ही जीवन सुधरेगा, अन्यथा आज कर दोगे तो कल पछताना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है तो सत्संग से आती है। फिर कोई कहे कि सत्संग करने से क्या हो जाए, जीवन बदल जाएगा, जीवन में क्रांति आ जाएगी, ये उसका महत्व है, जीवन जीने का सलीका आ जाएगा। इसलिए संत महापुरुष आकर समझाते हैं बार बार, धरती के पुण्य को बढ़ाने के लिए, लोगों के बहते हुए मन को रोकने के लिए, गिरते हुए मन को रोकने के लिए, विचारों को शुद्ध करने के लिए। जैसे हम किसी भी वस्तु को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, उसमें घी डालकर, सुगंधी डालकर, तुलसी पत्ता डाल दो, पानी के अंदर आप तुलसी पत्ता डाल दीजिए, जल के अंदर कहीं का भी पानी हो, गंगा जल तो वैसे खराब नहीं होगा, गंगा जी का पानी आप सालों साल बोतल में रख दीजिए, खराब नहीं होगा। ऋषिकेश से लाइए, हरिद्वार से लाइए, काशी से लाइए, जहां से लाइए, बक्सर से लाइए, यहां से लाइए। अगर गंगा के प्रवाह का धारा है तो वो अगर उसका जल खराब होने वाला नहीं, पानी कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, पानी बहुत जल्दी सड़ता है वैसे, खराब होता है, लेकिन उसमें आप तुलसी पत्ता डाल दीजिए तो पानी सड़ना बंद हो जाएगा, वो भी कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसे तत्व है। गंगा जी को गोमुख से, गंगोत्री से जहां से निकलती है, उसके अंदर वैसे तत्व तो शुद्ध कर देता है गंगा जल किसी दूसरे जल पे, घी डाल दिया, तुलसी पत्ता डाल दिया, हमने शुद्ध कर दिया, लेकिन ये मन रूपी जो पानी है वो कैसे शुद्ध होगा, उसमें क्या बहता है, उसमें विचार बहता है, सोच बहता है, आदमी की सोच बहती है। आज अगर समाज में पाप है, अगर समाज में आज दुराचार है, व्यभिचार है, आज अगर माताएं बहने बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है समाज के भीतर, तो क्यों सुरक्षित नहीं है, गंदगी कहां पर है, आदमी के मन में है, आदमी की सोच में है, और उसकी सफाई कैसे होगी भाई, कैसे होगी, सत्संग से होगी। पहले भी इतना पुलिस नहीं था, पहले भी इतना कैमरा नहीं था, आज से 50 साल पहले, आजादी के पहले भी चले जाओ,
लेकिन आदमी गलत काम करने से डरता था। क्यों डरता था? कि आज बुरा करूंगा तो मुझे भी बदले में बुरा मिलेगा। क्यों? ये बात उसे पता कहां से चलती थी? सत्संग से पता चलती थी, शास्त्रों के अध्ययन से पता चलती थी। लेकिन धीरे धीरे हमने बंद कर दिया, सत्संग सुनना बंद किया, रामायण पढ़ना बंद किया, भागवत पढ़नी बंद की, गीता पढ़ना बंद किया, बंद कर दिया। धीरे धीरे बदलने लगाए, ये सब तो पुराने विचारधारा के लोग हैं, पुराने ख्याल के लोग हैं, ये सब पुराना काम है। नया बनने के, नया क्या बन जाओगे भाई? क्या नया बन जाओगे? सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में जाके डूबता है, क्या बदल दोगे? क्या ये भी नया हो जाएगा? क्या चंद्रमा नया हो जाएगा? कुछ लोग कहते हैं हम मॉडर्न बन जाएंगे। क्या मॉडर्न बन जाओगे? क्या सूरज उत्तर से निकलना शुरू कर देगा? प्रकृति वही की वही रहेगी तो घुमा फिरा के तुम भी वही के वही रहोगे? कुछ और बदल नहीं सकते हो। आदमी की जो बेसिक थिंकिंग है, बेसिक इंस्टिंक्ट उसको बोलते हैं, वो जो बेसिक थिंकिंग है वो वही की वही रहती है। थोड़ा अंग्रेजी बोलना सीख लोगे तो क्या काम सिखाना शुरू कर दोगे? खाओगे तो मुंह से ही, खाओगे मुंह से ही। त्रेता में भी आदमी मुंह से खाता था, कलयुग में भी उसको मुंह से खाना होगा। बदल नहीं पाओगे, क्या मॉडर्न हो जाओगे? क्या नई चीज लाओगे? इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मॉडर्न स्केप्टिकल आउटलुक, मॉडर्न स्केप्टिकल आउटलुक, आधुनिक अंधविश्वास। एक समय आएगा जब लोग आधुनिक अंधविश्वास से ग्रसित हो जाएंगे और आधुनिकता के चक्कर में मनुष्य मानवता का हनन होगा। इसलिए आदमी कुछ बदल नहीं सकता, उसके वश में नहीं है। तो मॉडर्न नई वाली कोई चीज नहीं होती है, संसार वही है, वही रहेगा, वैसे ही चलेगा। और उसमें ही उसको जो विधि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी, गोपियों को दी, उसी विधि से मनुष्य का कल्याण संभव है। दूसरी कोई विधि भी नहीं है, दूसरा कोई तरीका भी नहीं। इसलिए घूम फिरकर वहीं आना पड़ेगा जहां से चले थे, घूम फिरकर वहीं आना पड़ेगा। दुनिया गोल है, कहां भागेगा आदमी? घूम फिरकर वहीं आ जाएगा। चढ़ाक बनने के चक्कर में उसको घूम फिरकर वहीं आना पड़ेगा। फिर से सत्संग, फिर से रामायण, फिर से गीता, फिर से भागवत पर आना ही पड़ेगा अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए। नहीं तो जितने यत्न करना है कर लो, दूसरा कोई साधन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चैलेंज किया है, कमठ पीठ जा मही बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहु ही मारा, फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुत हरि प्रति। कि कोई हरि से प्रतिकूल होकर जीवन में सुख प्राप्त कर ले, ये संभव नहीं है। कछुए के पीठ पर बाल उड़ जाए, नभ में अपने आप फूल खिल जाए, ये संभव है। लेकिन कोई सोचे कि भगवान के नाम सुमरण से अलग होकर सुखी हो जाए, ये संभव नहीं है। उसे वहां पर आना पड़ेगा घूम फिरकर, क्योंकि तरीका ही वही है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, दूसरे की विधि नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है जीवन में सुखी होने का। अन्यथा जितना सुखी होने का प्रयास करेगा उतना दुखी हो जाएगा, उतना दुखी हो जाएगा, उतना अशांत हो जाएगा। कभी सुनने को मिलता है कि किसी करोड़पति आदमी ने आत्महत्या कर ली। भाई तुम तो करोड़पति थे, तुम्हारे पास तो बंगला गाड़ी सब था, फिर तुमने आत्महत्या क्यों कर ली? तुम्हारे जीवन में क्या दुख के अनेकों रास्ते, मौत के अनेकों रास्ते। कब बैठे बैठे किसको मौत आ जाए बताना मुश्किल है, किस कारण से आ जाए ये भी बताना मुश्किल। कैसे व्यक्ति बने? आप सो गए और सोकर सुबह सही सलामत उठ गए, ये प्रभु की कृपा, ये प्रभु की कृपा कि आप सो गए और सोने के बाद सही सलामत उठ गए, ये उनकी कृपा है। तो सोने के बाद पता नहीं क्या हो जाए, कब कैसे घट, कौन सी घटना किस तरह से घटे, क्या जानता है? जानता है। और कई लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं घट भी जाती है।